स्क्रीन हमने सेपरेटर पे रख दिया है, 115 का टेम्परेचर सेट किया है जो हर सेपरेटर में अलग अलग होता है। स्क्रीन को इस तरीके से हमें कटर की मदद से कट कर देना है, इसके जो कॉर्नर्स है उस पर से हल्का सा कट लगा देना है बहुत ही सावधानी से। चारों कोने हमें ध्यान से कट कर देने होंगे इस कटर की मदद से, और बाकी जो इस पर ग्लास के जो पीसीस रह जाते उसको हम लिक्विड लगा के रिमूव कर देंगे। लिक्विड हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करना है, IP जिसे बोलते हैं। ये सटीक तरीके से कट करना है, ऊपर का ग्लास जो है उस पर ही सिर्फ क्रैक आए उतना ही क्रैक करना ज़रूरी है। ये ग्लास के जो छोटे पीस हैं उसको हमें रिमूव कर देना होगा बहुत ही ध्यान से एक चिमटी की मदद से। फिर हमें वायर एंटर करनी होगी। ज़ीरो पॉइंट 3 mm की वायर हमें यूज़ करनी है, 0.03 mm। इस तरीके से वायर चलानी होगी बिल्कुल ध्यान से, और कॉर्नर्स पे जो वायर चल रही है वहाँ पे हमें ध्यान भी रखना होगा, फिल्म नहीं कटनी चाहिए वहाँ से। इसी तरीके से वायर को चलाते हुए आगे ले जाना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत ही सटीक तरीके से वायर एंटर हो रही है और ग्लू भी आसानी से कट रहा है। ये दूसरे कोने से भी आपको इस तरीके से ही एंटर करना होगा, और वायर जो है वो एक तरफ से एंटर हो रही है दूसरी तरफ से बाहर आ रही है। ये नीचे वाला कॉर्नर है, यहाँ से भी हम वायर को बाहर ही ला रहे हैं यहाँ से, ना कि अंदर की ओर एंटर कर रहे हैं। नीचे की ओर इसका फ्लेक्स आता है बेल्ट, वहाँ से ही डिस्प्ले पे लाइन वगैरह आती है, तो वहाँ से ही वायर बहुत ध्यान से चलाना ज़रूरी है। इस तरफ से हमने आप वीडियो में देख रहे हैं वायर को बाहर ही निकाला है, एक बार यूज़ हो गई वायर को दोबारा हम यूज़ नहीं कर रहे। जहाँ से टूटा हुआ है ज़्यादा वहाँ से वायर हमेशा बाहर की ओर ही निकलनी चाहिए। इस तरीके से हमने पूरी डिस्प्ले पे से ग्लास को अलग कर दिया है। आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें ये तरीका। इस तरीके से हमें ग्लू क्लीन करनी है, कोई भी इस पे लिक्विड यूज़ नहीं करना है ग्लू क्लीन करने के लिए, सिर्फ हम ये ग्लू रिमूवर टूल की मदद से ही इसको क्लीन कर रहे हैं। इसे स्क्रीन सही तरीके से बिल्कुल सेफ साफ़ होती है। ये हमारा ग्लू जो है जो हार्ड ग्लू रहता है वो क्लीन हो चुका है, और बेल्ट जहाँ पे आता है वहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से ये क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है, बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही स्लोली यहाँ से ग्लू क्लीन किया जाता है। कॉर्नर्स पे जो ग्लास के जो छोटे पीसीस रह जाते हैं उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। हम ये स्पंज की मदद से स्क्रीन को फाइनल क्लीन करते हैं, और इस पे हम 530 क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी हार्ड लिक्विड आपको इस पे यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से आपको आउट फ्रेम करना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करना है, और OCA का वेस्ट पेपर जो होता है हार्ड उसका इस्तेमाल करना है। नीचे की ओर से आपको बहुत ही ध्यान से स्क्रीन को रिमूव करना होगा, वहाँ पे जो टेप आती है वो ठीक होती है, और वहाँ पे लिक्विड भी थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना होगा। वीडियो भी जूम करके दिखाया गया है ताकि आपको पता चले। अगर आपका हीटिंग सही होगा तो ये फ्रेम से बहुत ही इजीली आउट फ्रेम हो जाती है।
जैसे ही आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपको काम करना होगा, आपकी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल सही सलामत फ्रेम से अलग हो जाएगी। ऊपर कैमरे की ओर से जो टैपिंग आती है वो थोड़ी सी ठीक होती है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से ये ओसीए पेपर का जो हार्ड पेपर रहता है इसका इस्तेमाल करके आप स्क्रीन को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे जो नीचे टैपिंग रहती है वो थोड़ी सी हार्ड रहती है। ऊपर की ओर से पूरी स्क्रीन ओपन हो जाने के बाद आप इस तरीके से बड़ा सा पेपर यूज़ करके भी उसे वायर की तरह चला सकते हो। ऐसे स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम किया हुआ है ताकि आपको आसानी से पता चले। इस तरीके से ही पूरा पेपर यूज़ करके भी आप स्क्रीन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे फ्रेम से अलग कर सकते हो। वहाँ पे थोड़ी सी टेपिंग आती है, थोड़ी हार्ड रहती है, पर यह तकनीक से ये बहुत ही इजी और सेफ रिमूव हो जाती है। हमने स्क्रीन को अलग कर लिया है सेपरेटर से और ये फ्रेम से भी ऑलमोस्ट अलग हो चुकी है। ये स्क्रीन जो है हमारी बिल्कुल सेफ तरीके से रिमूव हो चुकी है। इसके पीछे जो टेप लगी होती है टू साइड, उसको भी इस तरीके से ध्यान से रिमूव करना ज़रूरी है। ये वीडियो 2x पे प्ले की गई है, पर इसको आप बहुत ही स्लोली रिमूव करने का प्रयास करें। इस पे और भी टेप जो होती है उसको भी हमें रिमूव कर लेना है ताकि पंचिंग के करने पर इसकी फिनिशिंग बिल्कुल सही रहे। स्क्रीन को चेक करेंगे एक बार। स्टार है, ज़ीरो स्टार, ऐसे ये स्क्रीन चेक होगी, उसका टच टेस्ट जो है उसे पास कर लेना है। यहाँ से ही पता चल जाता है कि आपकी स्क्रीन और टच स्क्रीन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको स्क्रीन को यहाँ मोल्ड पे फिक्स करना होगा। यहाँ पे टेप लगानी है बेल्ट के ऊपर और मोल्ड पे ऐसे स्क्रीन रख देनी है। यहाँ पे ये बेस मोल्ड है, यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन फिक्स करना है। इसको क्लीन कर देना है फाइनल फिनिश के लिए। उसके बाद हम विथ ओसीए ग्लास यूज़ करेंगे, उसको यहाँ मोल्ड पे ऐसे फिक्स करना होगा हमें, और उसके बाद ये पेपर रिमूव करके मोल्ड को यहाँ पे रख देंगे। ये कोने जो है वो एक ही लाइन में आने चाहिए। मशीन पे हमने ये सेटिंग सेट किया हुआ है, आप देख सकते हो टेम्परेचर, वैक्यूम और होल्डिंग टाइम, और प्रेशर गेज जो है हमने 60 PSI रखा हुआ है। ये सेटिंग्स जो है जो हमने सेट की हुई है, वैक्यूम टाइम जो है वो 50 से 100 तक रखना बहुत ही ज़रूरी है, और होल्डिंग टाइम जो है वो 15 से 20 आप सेट कर सकते हो ताकि कॉर्नर पे जो बबल है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे और फिनिशिंग एकदम बढ़िया रहेगी। ये हमारी पंचिंग हो रही है, पंचिंग पूरी हो चुकी है। स्क्रीन को चेक करेंगे इसमें कितने बबल्स हैं। बेहतरीन फिनिश के साथ ये स्क्रीन लेमिनेट हो चुकी है। यही प्रोफेशनल मेथड है, आपको सही तरीके से स्क्रीन रिफर्बिश करना है तो इसी मेथड से हो सकता है। ऐसे ही वीडियो सारी हमारी YouTube के ज्वाइन बटन में दी गई है, सारे वीडियो है इस पर, छोटे मॉडल से लेके लास्ट S21 अल्ट्रा तक के, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी जो है वो सीख सकते हो। पूरा एज ग्लास रिप्लेसमेंट का कोर्स है और आने वाले वक्त में ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। आने वाले वक्त में मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।